ओके सब क्वेश्चन बन गया था? यस सर। यस सर। ओके देखो क्वेश्चन दे रहा था इफ ए इक्वल्स टू 2 minus 1 minus 4, 5 and B equals to minus 3, 2 find C find matrix C such that AC equals to B. बोलो if matrix A is equals to 2 minus 1 minus 4 5 and B is equals to minus 3 2 find matrix C such that AC is equals to B. बोलो जिसका हो जाएगा बताना सर। ए 17/6 एंड बी 26/3। फिर मेरा ए आया -13/6 और बी -4/3। ए कितना आया सर? मेरा 17/6 और बी 26/3। ओके फिर मेरा माइनस ए इज इक्वल टू -13/6 एंड बी इज इक्वल टू -4/3। दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है देखो ये कितना का मैट्रिक्स है? ऑर्डर इसका 2×2 और बी का ऑर्डर 2×1 अब क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए यहाँ पे 2 -1 -4 5 है
इसके साथ कोई मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जिसके वजह से बी आ रहा है माइनस थ्री टू, जिसका ऑर्डर है टू क्रॉस वन और इसका ऑर्डर है टू क्रॉस टू, तो इस जो मैट्रिक्स सी होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? टू क्रॉस वन. टू क्रॉस वन. टू क्रॉस वन मतलब ए बी बी. तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास इक्वेशन क्या निकल के आएगा? 2a माइनस बी माइनस 4a प्लस 5. 2a माइनस बी, राइट? यस सर. तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू माइनस 3 और 2. तो तुम्हारे पास लीनियर इक्वेशन बन गया 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 3 और माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 2. आप कोई मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो देखो हम क्या कर दे रहे हैं ना, उसमें लगा दे रहे हैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन. देखो इसको, ये क्या है, ये हो जाएगा 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू बी, ये क्वेश्चन वन, ये क्वेश्चन टू और ये क्वेश्चन थ्री, है ना. b को इधर ले जाएंगे तो प्लस b हो जाएगा और 3 को इधर ले जाएंगे माइनस 3 को तो प्लस 3 हो जाएगा. तो 2a प्लस 3 इक्वल टू b, अब b के जगह पे ला करके इसमें पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4a प्लस 5 इंटू 2a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है. ये हो गया माइनस 4a और ये हो गया 5 टू जा 10a प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 2. अब देखो 10a में 6a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2. चल तो 6a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 15, तो 6a कितना हो गया, माइनस 13 बाई 6. तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस 13 बाई 6, यही आया था ना? यस सर. तुम्हारा यही आया था दीपिका? यस सर, यही आया था. जान ये आपका एल्बिना, आपका सर हम 2 प्लस 15 कर दिए थे इसलिए 17 बाई 6 आ गया. ओके, कोई बात नहीं. अब ए निकल गया 13 बाई 6, तो बी निकल जाएगा? यस सर. ए निकल गया, ले जाके पुट कर दूंगा, तो 2 इंटू माइनस 13 बाई 6 माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस 3. यहाँ से 2 वन जा 2 3 जा, ठीक है. तो माइनस 13 बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू बी, ये कितना हो गया, माइनस 13 प्लस 9 बाई 3 इज इक्वल्स टू बी, राइट. अब 13 में से 9 गया, कितना बचा, माइनस 4 बाई 3 बाई 3 इज इक्वल्स टू बी. कोई दिक्कत? नो सर. अब देखो एक तो क्वेश्चन दे रहा है जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है. जानवी, ऐश्वर्या, आप लोगों को समझ में आया? सजल, यस सर. कोई दिक्कत होगा बताना, किसी को भी कोई दिक्कत होगा तो बताना. देखो क्वेश्चन है कि a इक्वल्स टू 2 1 0 माइनस 2, b इक्वल्स टू 4 1 माइनस 3 माइनस 2 and c equals to minus 3 minus 1 2 4. Find
ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस फाइव बी, बताओ माइनस 11 17 3 माइनस 2 एक बार रिपीट करो माइनस 11 3 17 माइनस 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स बोलो माइनस 11 3 17 minus 2 तुम बताओ अल्बिना सर कर रहे दीपिका आपका जानवी ये दीपिका का सजल सर कर रहे ओके सर मेरा आ रहा है 17 3 17 6 17 3 यस सर 17 3 17 6 6 और किसका बन गया सबसे पहले तो तुमको इसमें ए स्क्वायर निकालना है एक्सक्यूज मी सर सर वह माइनस 11 की जगह माइनस 23 होगा माइनस 23 होगा हो गया और कुछ चेंज नो सर तो सबसे पहले तुमको ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए तो 210 माइनस 2 इंटू 210 माइनस 2 तो ये क्या निकल के आएगा देखो ये वाला पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 प्लस 0 1 जा 0 फिर यही वाला तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2
फिर देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो टू जा जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो और फिर यही वाला तुम्हारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो वन जा जीरो जीरो प्लस टू माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर ठीक तो ये तुम्हारा आ गया क्या फोर जीरो जीरो फोर जीरो जीरो कोई दिक्कत नो सर नो सर ये निकल गया आपका क्या ए स्क्वायर निकल गया अब हम लोगों को क्या चाहिए तुम्हारा एसी एसी चाहिए तो एसी निकालते हैं ए का वैल्यू है टू वन जीरो माइनस टू और सी का वैल्यू है माइनस थ्री टू माइनस वन फोर निकाल तो सी क्या निकल क्या रहा है अपना देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा टू थ्री जा माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस वन और वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू टू जा फोर प्लस फोर और क्या हो जाएगा प्लस फोर फिर ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस टू और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टू होगा फिर होगा क्या जीरो जीरो माइनस एट और क्या हो जाएगा माइनस फोर टू जा एट तो फाइनली क्या आ गया माइनस सेवन एट टू माइनस एट माइनस सेवन एट टू माइनस एट अब क्या चाहिए हम लोग को फाइव बी चाहिए है ना फाइव बी तो फाइव बी निकालते हैं चलो तो बी है अपने पास फोर वन माइनस थ्री माइनस टू तो ये आ जाएगा कितना ट्वेंटी फाइव माइनस टेन चलिए अब जो बाकी काम है कर देते हैं तो हम लोग को फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस फाइव बी सबको पुट करो तो पुट करेंगे तो ए स्क्वायर निकल के आया है फोर जीरो जीरो फोर जीरो जीरो फोर प्लस ए सी आया है माइनस सेवन एट टू माइनस माइनस सेवन एट टू माइनस एट और माइनस फाइव भी आया है ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन सॉल्व करो तो सबको साथ में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा फोर माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी फिर हो जाएगा जीरो प्लस एट माइनस फाइव फिर हो जाएगा जीरो प्लस टू माइनस फिफ्टीन और क्या हो जाएगा फोर माइनस एट प्लस टेन और यहाँ हो जाएगा प्लस फिफ्टीन माइनस माइनस प्लस चेक कर लो कोई दिक्कत फोर माइनस सेवन माइनस ट्वेंटी जीरो एट माइनस फाइव जीरो प्लस टू प्लस फिफ्टीन ठीक है फोर माइनस एट प्लस टेन अब कितना आ रहा देखिए आंसर बताइए माइनस ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी और सेवन ट्वेंटी सेवन में फोर गया तो माइनस ट्वेंटी थ्री आ रहा है ठीक है एट में से फाइव गया कितना गया थ्री आ रहा है यहाँ देखो 15 और 2 16 17 आ रहा है और यहाँ देखो 10 और 4 14 14 में से 8 गया 6 तो राइट आंसर देख लीजिए क्या है आप लोग दोनों बनाने में गलती किए हैं यहाँ पे आप 17 और यहाँ पे आप माइनस नोट कर लीजिए यस सर हो गया यस सर हो गया चलो गुड तुम लोग का हुआ ऐश्वर्या आया समझ में yes, जानवी आपको सजल
यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे। अच्छा इसके बाद तुम लोगों का कौन सा चैप्टर है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास से हम लोग एपी स्टार्ट करते हैं। इसमें और किसी का कोई डाउट तो नहीं बचा है ना? नो सर नो डाउट। आज आप लोग बोर्ड का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लिए थे। नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सो दैट one, two, two, one is a solution of the matrix. Of the matrix equation, x square minus 2x minus 3i equals to 0, where I is a unit matrix. Of order 2. Banao. Banao. ये सर प्रूव हो गया कि x square minus 2x minus 3i is equal to 0। ओके गुड। बाकी लोगों का सर नहीं प्रूव हो रहा सर, मतलब सॉल्व करने पे नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उसको तो हो गया। हाँ बिल्कुल। हाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है तुम्हारा सर? आगे सॉल्व नहीं हो रहा सर, अज्यूम करने के बाद x का वैल्यू को। x का वैल्यू क्या अज्यूम किया सर? 2x2 के ऑर्डर में ए बी सी डी। देखो बोल रहा है कि सो दैट दिखाओ कि ये सॉल्यूशन है इस मैट्रिक्स का। तो सॉल्यूशन दिखाने के लिए मान लो तुमको बोला जाता है दिखाओ कि x
x माइनस टू इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसे मान लो कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं इसको कैसे दिखाते हैं कि इसका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, बिल्कुल सही, आप x को 0 से इक्वेट करते हैं, x का जो 2 आता है फिर 2 को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ भी बोला जा रहा है कि दिखाइए कि ये जो गिवन है ये इसका सॉल्यूशन है, तो जब गिवन दिखाने के लिए बोल रहा है सॉल्यूशन है तो हम लोग इसको x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, हाँ कि ना, तो सब्स्टिट्यूट किया आप? नो सर, इसलिए नहीं बोल, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करो, इस वैल्यू को x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो और चेक करो कि इसको सॉल्व करने से जीरो आता है कि नहीं आता, आ गया तो तुम्हारा वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो वेरीफाई नहीं हुआ। यस सर, प्रूव हो गया, हो गया ना, यस सर, गुड। बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, इसको कुछ करना नहीं था, तुमको लेना था 2, 2, 1 और इसको ले जाके एक्स स्क्वायर निकाल देना था, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1, 2, 2, 1 मल्टीप्लाई हो किससे 1, 2, 2, 1 से, राइट, ठीक है, फिर क्या आएगा 1, 1 जो 1 आएगा प्लस 2, 2 जो 4 आएगा, है ना, फिर क्या होगा, फिर एक बार ये 2 प्लस 2 तो 2 प्लस 2 फिर क्या आएगा, फिर ये एक बार इससे तो 2 प्लस 2 फिर ये एक बार इससे तो 2, 2 जो 4 प्लस 1 है कि नहीं, क्या निकल के आ गया बताओ तो 5, 5, 4, 4, 5, 4, 5 अब निकालना है तुमको क्या 2x, तो 2x निकालने के लिए 2 और x क्या है 1, 2, 2, 1 तो 2x क्या आ जाएगा देखो 2, 4, 4, 2 2, 4, 4, 2 राइट, यस सर, फिर आपको निकालना है 3i, तो i क्या होता है 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 डायगोनल एलिमेंट्स 1, तो ये क्या निकल के आ गया 3, 0, 0, 3। अब तुमको फाइंड करना है क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3i, ठीक है, पुट कर दो, x स्क्वायर क्या है अपने पास 5, 4, 4, 5 ठीक है, माइनस 2x क्या निकल के आया अपने पास 2, 4, 4, 2 और फिर अपने पास 3i निकल के आया है 0, 3, 0, 0, 0, 3। चलो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस 2 माइनस 3 हो गया 4 माइनस 4 माइनस 0 और क्या हो गया तुम्हारे पास 5 माइनस 2 माइनस 3 यही हुआ ना, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 है ना, यस सर, यस सर। चलो अब देखो 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 5 खत्म हो गया ना, यस सर, प्लस 5 माइनस 5
यहाँ कितना हो गया, फोर में फोर गया तो जीरो, फोर में फोर गया तो जीरो, यहाँ कितना हो गया प्लस फाइव माइनस फाइव, तो फाइनली आंसर क्या आ गया तुम्हारा, जीरो जीरो जीरो, वेरीफाई हो गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री आई जो है देखिए जीरो के बराबर आता है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो एक तो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। देखो मैट्रिक्स से तुम लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? जितना तरह का क्वेश्चन मैट्रिक्स में बन सकता है तुम्हारे एग्जाम में वो सारा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, जितना भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके बाहर क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में तो नहीं बनेगा। देखो इफ ए इज इक्वल्स टू sec 60 डिग्री माइनस 3 tan 45 डिग्री cos 90 डिग्री sin 90 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 0 cot 45 degree minus 2 3 sin 90 degree. Find a 2a minus 3b number 2 a square नंबर थ्री बी ए। बनाइए सिर्फ फर्स्ट वाले का वैल्यू है 4 माइनस 1 0 माइनस 7। ओके सेकंड सिर्फ सेकंड है 4 0 फर्स्ट वाले का बताओ 4 माइनस 1 0 माइनस 7 हाँ सेकंड बताओ सिर्फ सेकंड है 4 0 माइनस 9 1 थर्ड माइनस थ्री वन माइनस थर्टीन थ्री माइनस थ्री वन माइनस थर्टीन थ्री सर माइनस वन नहीं वन हाँ वन लिख दिए ओके सर सर मेरा है फर्स्ट वाले का फोर माइनस थ्री जीरो माइनस सेवन सेकंड वाले का फोर जीरो माइनस थ्री आया है यस सर और सर सेकंड और थर्ड सेम है सेकंड थर्ड सेम और फर्स्ट वाला तुम्हारा है 4 माइनस 3 0 माइनस 7 राइट यस सर ओके ठीक है तुम लोगों का जी तुम्हारा क्या आया ऐश्वर्या नो सर नहीं आया जानवी आपका
सर माइनस थ्री होगा सर, थ्री इंटू वन में वन लिख दिए थे। अच्छा वन नहीं होगा तुम्हारा भी माइनस थ्री ना? यस सर। तुम्हारा आया सजल? चलो देखो, सॉरी देखो, ये है तुम्हारे पास sec 60 cos 90 3 tan 45 और sin 90। अब बताइए sec 60 का वैल्यू क्या होता है? 2। sec 60 का वैल्यू क्या होता है? 2। cos 90 0, tan 45 1 minus 1 और sin 90 1। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया 20 minus 3 1। अब दूसरा क्या है तुमसे उस पे आ गया बी वाला 0 cot 45 माइनस 2 3 साइन 90। तो कॉट 45 कितना होता है? 1। साइन 40 तुम्हारा टेन 45 भी 1 और कॉट 45 भी 1। फिर क्या है तुम्हारा और? माइनस 2 और 3 साइन 90 मतलब 3 इंटू 3 1। ये हो गया 0 1 माइनस 2 3। तो हम लोग से पहला वाला बोला था कि 2a माइनस 3b निकालो, तो 2a माइनस 3b निकालो बोला नंबर वन में, तो हम लोग कर देंगे 2 इंटू ए की जगह पे है अपने पास 20 माइनस 3 1 और b के जगह पे अपने पास 0 1 माइनस 2 3। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है? जानवी आपको बोलो। देखो 2 2 जा क्या हो गया 4, 20 जा 0, 23 जा माइनस 6, 21 जा 2 और देखो 30 जा 0, 31 जा 3, 32 जा माइनस 6 और 33 जा 9। तो फाइनली क्या आ गया ये देखो, तो 4 माइनस देखो 0 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 और 2 माइनस 9। तो आंसर हो गया 4 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 7 0 माइनस 7। ये पहला का आंसर हो गया। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में हम लोग को बोला ए स्क्वायर, तो ए है अपने पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस 3 1 इंटू 20 माइनस 3 1। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई होगा ये वाला इससे, तो क्या होगा 2 2 जब 4 माइनस 0 माइनस 0, फिर ये मल्टीप्लाई होगा जब इससे, तो 20 जब 0 और जीरो बन जाए, फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स और वन माइनस थ्री, फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस थ्री इंटू जीरो जीरो और वन इंटू प्लस वन, तो ये निकल के आ गया तुम्हारे पास कितना? 40 माइनस 9 1 0 माइनस 9 1। ये तुम्हारा निकल के आ गया ए स्क्वायर का है। थर्ड थर्ड तुमको क्या निकालना है? बी ए, बी ए निकालना है। तो बी है तुमारे पास क्या? ये वाला 0 1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 2 3 और ए है तुम्हारे पास 2 क्या? 0 माइनस 3 1 2 0 माइनस 3 1। चलो
तो ये क्या निकलेगा अपने पास, देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो टू जा जीरो और माइनस थ्री, फिर ये जब मल्टीप्लाई फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस फोर माइनस प्लस माइनस नाइन और फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस प्लस थ्री, तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आ गया माइनस थ्री माइनस थर्टीन माइनस थर्टीन थ्री थ्री। सबका देख लो कॉपी कर लो। देखो क्वेश्चन है कि इफ ए इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव ए इक्वल्स टू थ्री बाय फाइव टू बाय फाइव एक्स वाई and a square equals to I, find x y bana सिर्फ x is equal to 1.6 x is equal to 1.6 y is equal to minus 0.9 फ्रैक्शन में बताओ फ्रैक्शन में x y का वैल्यू बताओ 16 by 10 x is equal to 16 by 10 ओके y is equal to minus 9 by 10 minus 9 by 10
9 by 10 सर x is equal to 16 minus 9 by 10 ओके हां बोलो x is equal to 16 by 10 and y is equal to minus 9 by 10 सर मेरा भी सेम 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 ओके क्वेश्चन क्या था कि a is equals to इतना है और a square जो है वो i के बराबर है तो आपको फाइंड करना है xy का वैल्यू ठीक है चलो देखते हैं देखो a है 3 5 2 5 xy और a स्क्वायर क्या होगा 1 0 0 1 1 1 0 0 1 चलो अब a स्क्वायर फाइंड करते हैं तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 by 5 2 by 5 xy इनटू 3 by 5 2 by 5 xy तो देखो a स्क्वायर क्या आ रहा है देखते हैं देखो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 by 5 into 3 by 5 plus 2 by 5 into x राइट यस फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 by 5 into 2 by 5 plus क्या होगा 2 by 5 y हाँ क्या ना यस फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 by 5 x plus क्या आएगा xy फिर ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या है 2 by 5 x plus y excuse me sir हाँ बोलो 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 दीपिका सर y का वैल्यू -6/10 होगा -6/10 यस सर 9/10 नहीं नो सर ओके ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत यस सर -6 होगा 12 को 9 से काट चल तो देखो a स्क्वायर अपना क्या निकल के आ गया 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 by plus 2 by 5 x और यहाँ कितना हो गया 3 2 जा 6 6 by 25 plus 2 by 5 y यहाँ कितना हो गया 3 by 5 x plus xy और 2 by 5 plus y कोई दिक्कत तो नहीं नो सर नो सर अब ये कितना के बराबर है a स्क्वायर क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 के बराबर इसका मतलब है कि तुम्हारा 9 by 25 plus 2 by 5 x जो है वो 1 के बराबर है यस सर 6 by 25 plus 2 by 5 y जो है वो 0 के बराबर है ठीक है 3 by 5 x plus xy वो कितना के बराबर है 0 के बराबर है और 2 by 5 x plus y square 1 के बराबर बताइए ठीक है यस सर चलो तो यहां से हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है x का वैल्यू निकाल लेते हैं पहला वाला से तो 2 by 5 x is equals to क्या हो जाएगा 1 minus 9 by 25 हाँ के ना यस तो देखो 2 by 5 x is equals to 25 minus 9 by 25 तो 2 by x या फिर काम करते 5 से 5 यहाँ 5 हो जाएगा चलो तो 2 x 25 में से 9 गया कितना बचा 16 by 5 यहाँ से देखो ये 2 से कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 by 5
एक्स का वैल्यू कितना आ गया सर? 16/10 और 8/5। अच्छा आप लोग इसको 16/10 छोड़ दिए थे ना? यस सर। चलो तो ये तुम्हारा एक्स का वैल्यू, वाई बीस निकल जाएगा, एक्स को ले जाकर पुट कर दो कहीं 3/5 पुट भी कहीं करेंगे तो भी निकल जाएगा। 6/25 + 2/5 y = 0। तो इसको लेके जाएंगे ना तो 2/5 y = -6/25। ठीक है यहाँ से तुम्हारा कट जाएगा ना 5 से तो y कितना आ जाएगा -6/10 10 या फिर y is equal to simplest form में लिखा जाता है ना क्योंकि -3/5 तो y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। देख लो नोट कर लो, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो। जानवी, ऐश्वर्या आया समझ में? यस सर। ताहिल? हाँ सर। कहाँ थे आप? सर तो घर शिफ्ट हो रहा सर, उसी में लगे हुए थे इसलिए। तो कल लेट से ज्वाइन नहीं कीजिएगा, कल से नेक्स्ट क्लास से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ सर। एपी ठीक है ये सब मेरा कम। हाँ सर बोलो। साहिल सर कंप्यूटर क्लास, मेरा कंप्यूटर लिए हैं तो सर हाँ। मैनेज नहीं हो पाता ट्यूशन सर, यहाँ भी 6 बजे होता है वहाँ भी 6 बजे होता, दोनों मैनेज नहीं हो पाता। तो कंप्यूटर आप लिए हैं तो कंप्यूटर का टाइमिंग आप 6 बजे क्यों रख लिए सर? मतलब सब है ना, मतलब सर चेंज नहीं करता इसीलिए दोनों में से एक छोड़ना पड़ता। तो कभी छोड़ते हो कभी वहां छोड़ते हो? हाँ सर कभी दोनों में से। चलो अच्छा ये समझ में आया सबको? हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है देखो अभी भी बना लेना ठीक है, चैप्टर टेस्ट वगैरह जो भी है, चैप्टर टेस्ट का ही क्वेश्चन था ठीक है, और प्रीवियस ईयर कुछ बोर्ड क्वेश्चन था, तो जो भी है आप लोग बना लीजिएगा, जो भी उसके बाद डाउट बच जाएगा आप चैट में सेक्शन में पूछ लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एपी, क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू।